एकदम मेरे में। अरे भैया भाई तो मैंने की मर गए सब रे। अरे मैं सया मर गया। गुरुग्राम में आज एक बार फिर से एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां निर्माणाधीन अंडरपास अचानक ढह गया और उसके अंदर दबकर एक शख्स की मौत हो गई। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि इस बार लापरवाही ने कहां पर ली है एक बेकसूर की जान। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में कोई निर्माणाधीन पुल गिर जाए या गुरुग्राम में कोई निर्माणाधीन अंडरपास ढह जाए, ऐसी घटनाएं लगातार गुरुग्राम में बढ़ती जा रही है। चाहे सोना रोड हो, द्वारका एक्सप्रेसवे हो या फिर अब रेलवे के लिए बनाया जा रहा अंडरपास हो। दरअसल गुरुग्राम के धनवापुर इलाके में फाटक नंबर 26 के पास बनाए जा रहे अंडरपास आज शाम तकरीबन 4 बजे अचानक ढह गया। यह हादसा उस समय हुआ जब इस अंडरपास पर लेंटर डाला जा रहा था। उसी दौरान यहां पर 15 से 16 मजदूर काम कर रहे थे और उनमें से 9 मजदूर इस अंडरपास के नीचे जहां पर शटरिंग लगाई गई वहां पर काम कर रहे थे। जिस समय इसमें लेंटर डाला जा रहा था उसी दौरान ये अचानक ढह गया और ढहने की वजह से 8 मजदूर तो इसके नीचे से निकल आए लेकिन एक मजदूर इसी के नीचे फंस गया, जिसके अंदर दबने की वजह से मौत हो गई। दरअसल यहां पर मौजूद मजदूरों ने बताया है और ये आरोप भी लगाया है कि यहां जो इंजीनियर मौजूद है जिसकी ड्यूटी लगाई गई है उसको मजदूरों ने चेताया भी था कि ये सेटरिंग यहां पर ठीक तरीके से नहीं काम करेगी और एक हादसा हो सकता है, लेकिन बताया जा रहा है कि इंजीनियर ने उनकी बात नहीं मानी और शाम 4 बजे जब लेंटर इसमें डाला जा रहा था तो उसी दौरान ये लेंटर ढह गया और इसके अंदर एक मजदूर जिसका नाम गुड्डू बताया गया है वो अंदर ही दब गया। जैसे ही ये हादसा हुआ यहां से जो इंजीनियर है वो तुरंत भाग गया। उसके बाद चीख पुकार यहां पर मच गई, कई लोग इस हादसे में घायल भी हुए हैं। तुरंत इस बात की जानकारी गुरुग्राम पुलिस को दी गई, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस, दमकल विभाग और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची और तकरीबन 2 घंटों तक यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस पूरे हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति गुड्डू के परिवार का, उनके भाइयों का रो रो कर बुरा हाल है और चूंकि वो भी इस हादसे में घायल हुए हैं लेकिन वो यहां पर 2 घंटे तक खड़े रहे अपने भाई के इंतजार में कि कब उनका भाई अंदर से सुरक्षित निकाल लिया जाए। लेकिन अफसोस कि 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी गुड्डू को इस मलबे के अंदर से सही सलामत नहीं निकाला जा सका। गुरुग्राम पुलिस के ACP खुद अपनी टीम के साथ यहां मौके पर पहुंचे, दमकल विभाग की टीमें मौके पर आई, इसके अलावा सिविल डिफेंस की टीमें जो कि गुरुग्राम में इस तरह की आपातकालीन स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जानी जाती है, लोगों की मदद करती है, सामाजिक सेवा करती है, उसकी टीम भी यहां पर पहुंची और तकरीबन 2 घंटे लग गए गुड्डू को इस मलबे से निकालने के लिए। अब गुड्डू के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। ये भी पता किया जा रहा है कि इस अंडरपास का काम किसको दिया गया, किस एजेंसी को दिया गया और किस इंजीनियर की ड्यूटी यहां पर लगाई गई। सारे पहलुओं पर जांच की जाएगी कि आखिरकार यह हादसा किसकी लापरवाही की वजह से हुआ है। चूंकि यहां पर काम करने वाले मजदूरों ने इंजीनियर पर आरोप लगाया है कि उसकी लापरवाही के चलते ये पूरा हादसा हुआ है और गुड्डू की जान गई है। अब गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले में मजदूरों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज करेगी और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार गुरुग्राम में ऐसे निर्माणाधीन जो कंस्ट्रक्शन काम जो हो रहे हैं उनमें कब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे और कब तक ये बेकसूर गरीब लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे। संतोष, संतोष क्या हुआ था? हम लोग रोड ही डाल रहे थे सर ऊपर से, तो हम मिस्त्री हैं उसमें, हम फंटी मार रहे थे तो अचानक ये टूटी तो उसमें एक भाई घुस गया, ये घुसा था इसे खींच लिया हम लोगों ने। उसके बाद में हम लोग बाहर निकल आए, हमने इंजीनियर को कहा कि आप जो ना कुछ मंगा रहे हो, इंजीनियर भग के चला गया। कितने लोग दबे? एक आदमी दबा है सर, बाकी सब हाँ बाकी सब बसे बसे कोई ना लिखाना। इन्फॉर्मेशन मिली थी धमलापुर के पास जो रेलवे फाटक के पास जो अंडरपास कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पर कुछ मलबा गिर गया जिसमें कुछ लोग फंसे थे, तो पुलिस टीम, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीम वहाँ पहुँची तो मलबे में से एक बॉडी हमें मिली है जिसको हमने अभी निकाल के हॉस्पिटल भेजा है। बाकी अभी जांच की जा रही है
कि कौन ठेकेदार इन्वॉल्व है, क्या क्या लैप्सिस हुए हैं, उस पर अभी जांच की जाए। कितने लोग काम कर रहे थे यहाँ पे? यहाँ पर करीब 14-15 लोग काम कर रहे थे बताएं, उसमें से 9 लोग अंडरपास नीचे गिर हुए थे, वो सुरक्षित बच गए, एक आदमी फंस गया। बॉडी रिकवर हुई है, कितनी उम्र है, उसकी कोई पहचान वगैरह बताइए। अभी इस पर काम किया जा रहा है। किसका प्रोजेक्ट चल रहा है? जो बिल्डर का भी ठेकेदार का नाम आया है, जो कंपनी इन्वॉल्व है उसके भी जांच कर रहे हैं। रेलवे अंडरपास सर, बार बार मजदूर जो है वो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो इंजीनियर था उसे कहा गया था बार बार कि जो शटरिंग है ये काम की नहीं है, लेकिन बावजूद इसने उसके इसके शटरिंग वही यूज की, क्या कहेंगे सर? अभी इस पर जांच की जाएगी, क्या सेफ्टी लैप्सेज हैं, सेफ्टी मेजर लिए गए कि नहीं गए, अभी इस पर जांच की जाएगी। गुरुग्राम में पहली बार कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है कि कोई निर्माणाधीन अंडरपास की छत इस तरह से ढह गई हो। इससे पहले सोना रोड पर एलिवेटेड फ्लाईओवर जब निर्माणाधीन कंडीशन में था तो उस दौरान वो भी ढह गया था, उसका एक स्लैब। इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेसवे पर 2 बार इस तरह के हादसे हो चुके हैं, और अब गुरुग्राम के धनवापुर में रेलवे अंडरपास का जो लेंटर है वो ढहने से एक मजदूर की जान चली गई है। सवाल यह है कि आखिरकार जिला प्रशासन हो या इन कंस्ट्रक्शन को करने वाली कंपनियां हो, वो कब ध्यान देंगी और कब वो सावधानियां बरतेंगी और कब वो इन गरीब मजदूरों की जिंदगियों को कीमती समझेंगी ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों पर रोक लगाई जा सके। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।